वालेकुम, कैसे आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंडे की रेसिपी। चलिए आज हम मिलकर बनाते हैं अंडे की रेसिपी। यहाँ पर मैंने लिया एक कटा हुआ टमाटर और साथ में हमने लिया है यहाँ पर प्याज। प्याज के इसके इस तरह छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं करने क्योंकि अंडे में छोटे छोटे ही इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर हमने दो लिए अंडे और साथ में ली है सब्ज़ मिर्च ली है। और अब हम चढ़ा लिए चूल्हे पर कढ़ाई, इसके अंदर डालने के तेल। मैंने थोड़ा सा तेल लिया, आप चाहे जितना मर्ज़ी ले सकते हैं और जो सा मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है सूफी। और यहाँ पर हम अंडे को जो थे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने वैसे कढ़ाई पर नहीं डालने, कढ़ाई के अंदर नहीं डालने, हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। फिर हम इसको कढ़ाई के अंदर डालेंगे। देखें हमारे जो अंडे थे वो हो गया है मिक्स अच्छी तरह से, जो तेल था हमारा वो हो गया है गर्म। इसके अंदर डालेंगे अब हम प्याज। प्याज को नीचे नहीं रखने देना और इसे अच्छी तरह से हमने ब्राउन करना है और साथ में इसे हिलाते रहना है ताकि ये ब्लैक ना हो जाए। ये मेरी खुद की रेसिपी है, मैंने किसी की कॉपी नहीं की हुई। ये देखें हमारा जो प्याज था वो हो गया ब्राउन। देखें मैंने नीचे नहीं इसे लगने दिया और डार्क डार्क ब्राउन हो गया है। इसके अंदर डालेंगे अब हम टमाटर। इसे अच्छी तरह से हम टमाटर को पका लेंगे, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म, ताकि वो ख़त्म हो जाए। इस अब इसे अच्छी तरह से हिलाएँगे। इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और इसे भी अच्छी तरह से हिला लेंगे, इसका भी जो कच्चापन था वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, आप चाहे तो जितनी मर्जी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी और डाल दी है। अब इसके अंदर डालेंगे नमक, तो एक चुटकी लिया मैंने यहाँ पर नमक, क्योंकि हमारी जो मिर्चें हैं ना वो गीली हैं, सूखी वाली नहीं है, तो इसलिए मैंने एक चुटकी डाला, क्योंकि वो जो हमारी मिर्चें हैं ना इसके अंदर हमने नमक डाला हुआ है। आप चाहे तो जितना मर्जी डाल सकते हैं। ये देखें हमने अब इसके अंदर डालनी है रेड मिर्च, थोड़ी सी डालनी है। और अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। हमारा जो मसाला था वो हो गया तैयार। इसके अंदर डालेंगे अब अंडे, इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये जो हमारा अंडा था वो हो गया तैयार। अब हम इसको प्लेट में डालेंगे। ये देखिए कितना यमी लग रहा है, आप भी बनाकर देखिएगा और खाकर भी देखिएगा, बहुत मुझे तो यमी लगा। मैंने यहाँ पर चूल्हे पर रख लिया था दूध चाय बनाने के लिए। हम यहाँ पर दूध के अंदर डालेंगे 2 कप पानी के और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे पानी को, और थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे पत्ती, मैंने तो सिर्फ इसके अंदर 2-1.5 चम्मच पत्ती के डाले हैं, आप चाहे तो जितना मर्जी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ डालूंगी पत्ती, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मम्मी है ना उनको शुगर है, इसके अंदर हम चीनी नहीं डालेंगे, चीनी बाद में डालेंगे। और पहले मम्मी की चाय निकाल लेंगे, फिर हम इसके अंदर चीनी दोबारा मिक्स करेंगे। और यहाँ देखिए हमारा जो चाय है वो अच्छी तरह से पक रही है। साथ में हमारे 3 कप हैं, जो एक मेरा है, मेरी भाभी का है और एक मेरी मम्मी के लिए है। और जो देखिए हमारी चाय को उबाला आना शुरू हो गया है। यहाँ पर हमने अपनी मम्मी के लिए जो चाय थी वो अलहदा कर ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 शुगर फ्री जो गोलियाँ हैं वो, ये हम इस्तेमाल करते हैं अपनी अम्मी को चाय में डालने के लिए। अगर किसी को शुगर है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शुगर फ्री है और ये 2 सिर्फ इसके अंदर हम डालेंगे।
चाय बची थी हमने उसके अंदर डाल दिया है चीनी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पका लेंगे। चीनी थोड़ी सी कम लगी थी तो इसलिए थोड़ी सी मैंने और डाल दिया। देखिए हमारी अब चाय हो गई है रेडी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।